हेलो एवरीवन, आपका आपके अपने चैनल नॉलेज जियो पर स्वागत है। ज्योग्राफी एमसीक्यू सीरीज की ये चौथी वीडियो है। इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए गए हैं जो आपके किसी भी अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो में पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, द डेक्कन प्लेट्यू इज प्राइमरली कम्पोज ऑफ विच टाइप ऑफ रॉक। दक्कन का पठार मुख्य रूप से किस प्रकार के चट्टान से बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बेसाल्ट। डेक्कन प्लेटू का फॉर्मेशन वॉल्केनिक इरप्शन से हुआ है, यानी ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है। ज्वालामुखी विस्फोट से जो लावा निरंतर निकलता गया और जमता गया, उसकी वजह से डक्कन के पठार का निर्माण हुआ। डेक्कन प्लेटू मेनली बेसाल्ट चट्टान से बना हुआ है और ये एक इग्नियस रॉक है, यानी आग्नेय प्रकार का चट्टान है। तो जो डेक्कन प्लेटू है वो मेनली बेसाल्ट से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी फैक्टर अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ऑन द अर्थ सर्फेस। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला प्राथमिक कारण नहीं है? अर्थ के सर्फेस पे तापमान के वितरण को प्रभावित करने के लिए कुछ कारक हैं, कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस, उस जगह का अक्षांश क्या है, एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस यानी उस जगह की ऊंचाई कितनी है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी समुद्र से उस स्थान की दूरी कितनी है, और ठंडी और गर्म महासागरीय धाराएं। ये सारे फैक्टर्स हैं जो अर्थ के सरफेस पे किसी भी जगह पर टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। लेकिन जो सॉइल टाइप है यानी मिट्टी का प्रकार है, वो पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण का प्राथमिक कारण नहीं है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा प्राइमरी फैक्टर नहीं है, तो इसका राइट आंसर है सॉइल टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म लेटराइट इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड विच मीन्स। लेटराइट एक लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है, ये जो शब्द है लेटराइट, ये लैटिन वर्ड लेटर से डिराइव किया गया है जिसका अर्थ होता है ब्रिक यानी ईट। लेटराइट सॉइल में मेनली आयरन और एल्यूमिनियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और ये टिपिकली रेड कलर की होती है क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड का कॉन्टेंट काफी हाई होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, ब्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिंग ऑफ फायर इज एसोसिएटेड विद। रिंग ऑफ फायर किससे जुड़ा हुआ है? तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रिंग ऑफ फायर क्या है। रिंग ऑफ फायर ये पैसिफिक ओशन के यानी प्रशांत महासागर के बेसिन पे एक मेजर एरिया है जहाँ पे दुनिया भर के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं और इस एरिया में काफी सारे भूकंप भी आते हैं। रिंग ऑफ फायर को पैसिफिक रिम, प्रशांत रिम या फिर सरकम पैसिफिक बेल्ट भी कहा जाता है। अर्थ पे 75% से ज्यादा यानी 450 से भी अधिक ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर के किनारे स्थित हैं और पृथ्वी के 90% भूकंप एरिया अर्थक्विक क्षेत्र इसी क्षेत्र में आते हैं। तो रिंग ऑफ फायर अर्थक्विक और वाल्कनोज से रिलेटेड है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अर्थक्विक्स एंड वाल्कनोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है? अगर वर्ल्ड के लार्जेस्ट डेजर्ट की बात की जाती है तो वो अंटार्कटिक डेजर्ट है। हालांकि यहाँ पे बर्फ जमी रहती है लेकिन फिर भी इसे डेजर्ट कंसिडर किया जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है। अगर इसके एरिया की बात करें तो ये 14.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। और अगर लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट की बात करें यानी गर्म मरुस्थल की बात करें तो वो सहारा डेजर्ट है जो कि 9.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। अगर ये पूछा जाए कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट कौन सा है तो भी वो अंटार्कटिक डेजर्ट है। अगर ये पूछा जाए कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है तो भी वो अंटार्कटिक डेजर्ट है। और अगर ये पूछा जाए कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट कौन सा है यानी गर्म मरुस्थल कौन सा है तो वो सहारा डेजर्ट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, अंटार्कटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर चेंजेस डायरेक्टली इनटू आइस विदाउट बिकमिंग अ लिक्विड इज कॉल्ड। वो प्रक्रिया जिसके द्वारा जल वाष्प तरल बनने के बिना सीधे बर्फ में बदल जाती है उसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो वाटर वेपर है वो डायरेक्टली आइस में कन्वर्ट हो रही है। वाटर वेपर लिक्विड में चेंज होकर के फिर आइस नहीं बन रही है, वो डायरेक्टली वाटर वेपर से आइस में कन्वर्ट हो रही है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो चलिए इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं।
जो वाटर वेपर है वो गैस है, तो गैस लिक्विड बनने की बजाय डायरेक्ट सॉलिड बन रही है, यानी आइस में कन्वर्ट हो रही है। तो गैस का डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्जन डिपोजिशन कहलाता है। और अगर सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रही है, यानी अगर बर्फ सीधा वाटर वेपर बन रही है, तो उसको सब्लिमेशन कहेंगे। और अगर वाटर वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होता है, जैसे कि रेन के केस में होता है, जो गर्म हवा होती है वो ऊपर उठती है, और जब ऊपर टेम्परेचर ठंडा है वहां पे वो कंडेंस होती है और फिर वो बारिश के रूप में नीचे आती है, तो उस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहेंगे। और अगर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रही है, यानी अगर हम पानी को बॉइल करते हैं तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रही है, तो उसे वेपराइजेशन कहेंगे। और अगर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी जो पानी है वो बर्फ में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसे फ्रीजिंग कहेंगे। और जब बर्फ पानी में कन्वर्ट हो रहा है, यानी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसे फ्यूजन कहेंगे या फिर मेल्टिंग कहेंगे। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो वाटर वेपर है वो डायरेक्टली आइस में कन्वर्ट हो रही है, तो इस प्रोसेस को डिपोजिशन कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लिथोस्फेयर इज करेक्ट। स्थल मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लिथोस्फेयर यानी कि स्थल मंडल, ये बायोस्फेयर का पार्ट है, यानी जीव मंडल का भाग है। बायोस्फेयर के यानी जीव मंडल के तीन पार्ट्स होते हैं, लिथोस्फेयर स्थल मंडल, हाइड्रोस्फेयर जल मंडल, एटमोस्फेयर वायुमंडल। लिथोस्फेयर जो अर्थ का सॉलिड लेयर है, यानी जो सॉइल है, मिट्टी है, वो वाला जो लेयर है वो लिथोस्फेयर कहलाता है। हाइड्रोस्फेयर यानी जल मंडल, अर्थ पे जो भी वाटर बॉडीज हैं वो हाइड्रोस्फेयर के अंतर्गत आती हैं। और अर्थ के चारों तरफ जो एक एयर का ब्लैंकेट फैला हुआ है वो एटमॉस्फेयर के अंतर्गत आता है, यानी वो वायुमंडल के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिथोस्फेयर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। इट इज सेम एज द हाइड्रोस्फेयर, ये जल मंडल के समान है, तो ये गलत है। हाइड्रोस्फेयर अलग पार्ट है और लिथोस्फेयर अलग पार्ट है। इट इज कम्पोज ऑफ लिक्विड आयरन एंड निकल, ये तरल लोहे और निकल से बना हुआ है, ये भी गलत है। लिक्विड आयरन और निकल से अर्थ का कोर बना हुआ है। इट लाइज बिलो द मेंटल, ये मेंटल के नीचे स्थित है, तो ये भी गलत है। मेंटल के नीचे अर्थ का कोर है, ये मेंटल के बाहर वाले पोर्शन में लोकेटेड है। अगर हम अर्थ के लेयर्स के बारे में बात करें तो अर्थ के तीन लेयर हैं। जो पहला आउटर लेयर है वो क्रस्ट है, जो दूसरा लेयर है वो मेंटल है, और जो इनर लेयर है उसे कोर कहते हैं। तो लिथोस्फेयर ये जो क्रस्ट वाला एरिया है ये है, ये अबव द मेंटल है, ना कि बिलो द मेंटल। नेक्स्ट ऑप्शन है, इट इज द सॉलिड आउटर लेयर ऑफ द अर्थ, ये पृथ्वी की ठोस बाहरी परत है, तो ये ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर है, इट इज द सॉलिड आउटर लेयर ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉइल विच इज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स इज नोन एज। नदियों द्वारा नीचे लाई गई गाद के जमाव से बनने वाले मिट्टी को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी। एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा गाद, रेत और मिट्टी के जमाव से बनती है। ये आमतौर पे नदी के बेसिन में जो मैदान है वहां पे और डेल्टा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिमालयाज आर एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ माउंटेन्स, हिमालय किस प्रकार के पर्वतों का उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फोल्ड माउंटेन्स। हिमालय पर्वत फोल्ड माउंटेन्स हैं, और हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के कोलिजन से बना है। जब ये दोनों प्लेट्स कोलाइड करी तो यहाँ पे जो लैंड मास था वो फोल्ड होता गया, तो यहाँ पे फोल्डेड माउंटेन्स का निर्माण हुआ। और फोल्ड माउंटेन्स की खासियत ये है, इनमें ऊंची ऊंची चोटियां होती हैं और गहरी घाटियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग प्रोक्लेम्ड डैम्स एज द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, निम्नलिखित में से किसने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में घोषित किया था? तो इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को यानी डैम्स को आधुनिक भारत का मंदिर यानी टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा था। ऐसा उन्होंने तब कहा था जब भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर इज कॉल्ड द सॉल्ट रिवर इन इंडिया, भारत में किस नदी को नमक नदी कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लूनी रिवर। लूनी रिवर को लवनावारी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है सॉल्टी रिवर यानी नमकीन नदी।
कोपिली रिवर नॉर्थ ईस्ट इंडिया की नदी है जो मेघालय और असम में बहती है और ये ब्रह्मपुत्र नदी की ट्रिब्यूटरी है। पेनार रिवर ये साउथ इंडिया की रिवर है, इसको पिनाकिनी, पेन्नेरू, पेन्नेर, पेन्नार, पेन्नई इन सब नामों से भी जाना जाता है। पेन्नार रिवर का ऑरिजिन कर्नाटक में चिक्कबालापुर डिस्ट्रिक्ट में नंदी हिल से होता है और ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहती हुई फाइनली बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिल जाती है और सोनार रिवर मध्य प्रदेश में बहती है और ये वर्षा पर आधारित नदी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लूनी रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ओशंस इज द स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आर्कटिक ओशन। अगर ओशंस की यानी महासागरों की बात की जाए तो पूरी दुनिया में 5 महासागर हैं, पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर, इंडियन ओशन, हिंद महासागर, साउदर्न ओशन, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक ओशन, आर्कटिक महासागर। तो सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक ओशन है यानी प्रशांत महासागर है, दूसरे नंबर पे अटलांटिक ओशन है, फिर इंडियन ओशन है, फिर साउदर्न ओशन है और फिर लास्ट में आर्कटिक ओशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ वी शेप्ड वैली, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वी आकार की घाटी के निर्माण के लिए जिम्मेदार है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रिवर इरोजन यानी नदी का कटाव। वी आकार की घाटी का निर्माण नदियों द्वारा हुए अपरदन क्रिया से होता है यानी रिवर इरोजन से होता है। देखिए इस पिक्चर में नदी बह रही है और घाटी को नीचे की तरफ काटते हुए चली जा रही है, तो इस तरह से वी शेप घाटी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज मोस्ट सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास उगाने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो कपास उगाने के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी है, ब्लैक सॉइल है। ब्लैक सॉइल को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है और इस मिट्टी में मॉइस्चर को रिटेन करने की प्रॉपर्टी होती है और इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं यानी जो पोषक तत्व होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। विशेष रूप से इस मिट्टी में कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक पाई जाती है जो कपास उगाने में मदद करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉइल फाउंड इन द डेल्टा रीजन ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज, भारत के पूर्वी तट के डेल्टा क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था नदियों के पास फैले हुए मैदान में और डेल्टा क्षेत्रों में एलुवियल सॉइल पाई जाती है यानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एलुवियल सॉइल, और एलुवियल सॉइल काफ़ी फर्टाइल होती है और ये मिट्टी खेती के लिए बहुत उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ रेन फॉरेस्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कारक वर्षा वनों के अस्तित्व के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो वर्षा वन क्या होते हैं पहले ये जानते हैं। तो वर्षा वन, जैसा कि नाम से पता चलता है कि ये वो वन है जहाँ पे वर्षा बहुत अधिक होती है और ये एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं यानी सदाबहार वन होते हैं और ये वन आमतौर पर भूमध्य रेखा के पास यानी इक्वेटर के पास पाए जाते हैं जहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है और ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता यानी नमी हाई होती है। तो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें जो सही ऑप्शन है वो है हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी, उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सैंड ड्यून्स, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रेत के टीलों के निर्माण की ओर ले जाती है? डेजर्ट में जो सैंड ड्यून्स बनते हैं यानी रेत के टीले बनते हैं वो हवा के एक्शन से बनते हैं जो सैंड को उड़ा करके ले जाती है और एक पर्टिकुलर एरिया में डिपॉजिट कर देती है। तो इस तरह से सैंड के टीले और लकीरें बनती जाती हैं जिन्हें सैंड ड्यून्स यानी रेत के टीले कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विंड इरोजन यानी वायु अपरदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रेजिडुअल माउंटेन, निम्नलिखित में से कौन सा अवशिष्ट पर्वत का एक उदाहरण है? तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रेजिडुअल माउंटेन्स क्या होते हैं, अवशिष्ट पर्वत क्या होते हैं। रेजिडुअल माउंटेन्स यानी अवशिष्ट पर्वत वो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वो पहाड़ हैं जिनका समय के साथ कटाव होता जा रहा है और वो नष्ट होते जा रहे हैं
और वो जो कटाव हो रहा है वो हवाओं की वजह से हो रहा है, बारिश की वजह से हो रहा है, बर्फ की वजह से हो रहा है, या फिर जो बहता पानी है उसकी वजह से हो रहा है। और ये जो पर्वत हैं ये एक समय में बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ वो काफी हद तक नष्ट हो गई हैं और अब उन प्राचीन पहाड़ों के अवशेष बचे हुए हैं। तो जो अरावली रेंज है ये प्राचीन पहाड़ है जो समय के साथ नष्ट होते होते अब एक अवशिष्ट पर्वत बन गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अरावली रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोर ऑफ द अर्थ इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ, पृथ्वी का कोर मुख्य रूप से बना है। तो चलिए सबसे पहले हम अर्थ के लेयर्स के बारे में समझ लेते हैं। अर्थ की तीन लेयर्स हैं। आउटर लेयर जो है उसे क्रस्ट कहते हैं, उसके बाद जो सेकेंड लेयर है वो मेंटल है, और जो थर्ड और इनर लेयर है वो कोर है। कोर भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, आउटर कोर और इनर कोर। तो अर्थ का जो क्रस्ट है यानी जो आउटर लेयर है ये मेनली रॉक से बना हुआ है, और जो सेकेंड लेयर है मेंटल है ये मोल्टेन रॉक से बना हुआ है, यानी जो यहाँ पे पत्थर हैं वो लिक्विड फॉर्म में हैं, और जो आउटर कोर वाला एरिया है वो निकल और आयरन से बना है, और ये जो निकल और आयरन है ये लिक्विड फॉर्म में है, और जो इनर कोर है वो भी निकल और आयरन से बना है लेकिन वो सॉलिड फॉर्म में है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो इनर कोर है वहाँ पे बहुत अधिक प्रेशर है, उसकी वजह से जो निकल और आयरन है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, आयरन एंड निकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वूलर लेक। वूलर लेक जो कि जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है ये भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, और चिल्का लेक ये एक लैगून है और ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। केवल भारत में ही नहीं पूरे एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, यानी ये पूरे एशिया की लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो में दिए गए क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे और एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट लगे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने उन दोस्तों को जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों उनको शेयर ज़रूर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।